एक तरफ गाजा वाले वॉर फ्रंट पर इसराइल का बारूदी कोहराम जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ लेबनान से लेकर सीरिया तक में भी इजरायली सेना की बमबारी। आसमान से एयर स्ट्राइक ताबड़तोड़ अंदाज में चल रहा है। नेतन्याहू का प्रण सिर्फ हमास का खात्मा ही नहीं बल्कि हमास के उन मददगारों को भी तबाह करना है जो जंग में इसराइल के खिलाफ खड़े हैं। तो वहीं अब ईरान की एंट्री ने इस जंग में आग में घी डालने का काम किया है। इसराइल हमास जंग में जहां अमेरिका इसराइल का बखूबी साथ दे रहा है, तो वहीं हमास भी अकेला मैदान में नहीं है। ईरान समर्थित कई चरमपंथी संगठनों का हमास को पूरा समर्थन मिल रहा है। गाजा में ऐलानी जंग के बाद से इसराइल पर फिलिस्तीनी समर्थक कई आतंकी संगठनों के हमले जारी है, चाहे वह लेबनान का हिजबुल्ला आतंकी हो या फिर यमन के हुती विद्रोही। तो वहीं सीरिया और इराक के इस्लामिक प्रतिरोध सब एकजुट होकर इसराइल पर टूट पड़े हैं। यही वजह है कि इसराइल हमास जंग के बाद से मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर है, जो हर गुजरते दिन के साथ और हिंसक होता जा रहा है। इस बीच इराक में इस्लामिक प्रतिरोध ने दावा किया कि उसने शनिवार को कब्जे वाले फिलिस्तीन में इजरायली हाइफा बंदरगाह पर एक क्रूज मिसाइल लॉन्च की थी। क्रूज मिसाइल हरकब को इराकी धरती से हाइफा बंदरगाह को टारगेट करके फिलिस्तीन की ओर से लॉन्च किया गया था, जिस पर गाजा पर इसराइल की ओर से कई बार हमला किया गया था। इस्लामिक प्रतिरोध ने घोषणा की है कि यह ऑपरेशन फिलिस्तीनी लोगों और प्रतिरोध के समर्थन में है। इसके साथ ही गाजा में किए जा रहे इजरायली नरसंहार के जवाब में फिलिस्तीनी के मुद्दों को ध्यान में रखते हुए किया गया था। ये इराक में इस्लामिक प्रतिरोध की ओर से तीनों ऑपरेशन का दावा करने के बाद आया है, जिनमें से दो कब्जे वाले फिलिस्तीन के अंदर इजरायली ठिकानों के खिलाफ थे और डेड सी में इजरायली टारगेट के खिलाफ था। बता दें कि जिस तरह से इस युद्ध में ईरान की एंट्री और ईरान इसराइल का वॉर पलटवार देखा जा रहा है, इससे कहीं न कहीं लोगों को आशंका है कि पूरी दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की कगार पर पहुंच सकती है। वहीं इराक में इस्लामिक प्रतिरोध ने अल अकरब वाले एडवांस क्रूज मिसाइलों का उपयोग करके बीर अल साबे में एक प्रमुख स्थान को निशाना बनाने की घोषणा की, जिससे इजरायली कब्जे का विरोध करने और फिलिस्तीन और उसके लोगों की रक्षा करने उनकी प्रतिबद्धता की पुष्टि हो। प्रतिरोध ने बीर अल साबे में अब्राहम खुफिया मुख्यालय और तेल अवीव में मोसाद के किलोट खुफिया केंद्र को निशाना बनाया, जो किराया से लगभग 8 किलोमीटर दूर स्थित है, जहां इजरायली सरकार अपनी युद्ध कैबिनेट बैठक आयोजित करती है। अल मुजाबा इराकी प्रतिरोध आंदोलन के सदस्य मोहम्मद अल मौसावी ने इस बात पर जोर दिया कि तेल अवीव पर मिसाइल हमला एक बार फिर साबित करता है कि इराकी प्रतिरोध की दूरी का एक अनिवार्य हिस्सा है। अल मौसावी ने अल मयादीन को बताया कि हमले में गाजा हमारे लोगों को एक संदेश भेजते हैं कि वे मैदान में अकेले नहीं हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए एक संदेश भी देते हैं कि प्रतिरोध चुपचाप खड़ा नहीं रहेगा, गाजा में जो हो रहा है उसके सामने है।